Hello to all and welcome back to the channel. Anamika this side, and in today's lesson we are going to discuss one more important topic in which we'll be discussing about the important leaders who were involved in the socio-religious reform movements. So हम leaders के बारे में आज discuss करेंगे. कल हमने discuss किया था जो भी base थे या जिस तरीके से भी जो socio रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट होने के रीजंस थे, जो भी कॉजेस थे, उसके फैक्टर्स थे, वो सारी चीजें कल हमने डिस्कस करी थी. आज हम जो इम्पोर्टेंट लीडर्स जिसमें इन्वॉल्व थे, वो सारी चीजें उनके बारे में हम बात करेंगे. सो बिफोर आई गेट स्टार्टेड, अगेन आई वुड से इफ यू हैवन सब्सक्राइब एन अकेडमी प्लस देन डू इट. यूज द रेफरल कोड RANK10 और code 10 सो दैट यू विल गेट एक्स्ट्रा बेनिफिट अपार्ट फ्रॉम 10% डिस्काउंट. Another announcement for you that less than 60 days I have left for your UPSC prelims 2020. So आप उसके लिए अपनी preparation को अच्छा और बेहतर बनाने के लिए आप Unacademy का use कर सकते हो. आप उसमें enroll कर सकते हो, subscription ले सकते हो unlimited benefits के लिए. आप जो भी benefits हैं, you can see here one stop solution for complete UPSC CSE preparation. तो आप उसके लिए यहाँ पे देख सकते हो 100% सिलेबस कवरेज होगा. ऑप्शनल की वास्ट रेंज है, जो भी आपका ऑप्शनल है वहां पे आपको अवेलेबल मिलेगा. प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज के साथ आपको इंटरव्यू के लिए भी यहाँ पे प्रिपेयर कराया जाता है विद एसे एंड आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस. एंड बाइलिंगुअल बैचेस हिंदी और इंग्लिश सबके लिए अवेलेबल है. तो आप इसमें देख सकते हो कि किस तरीके से ये आपके लिए पीडीएफ के साथ और एनालिसिस और डाउट क्लियरिंग सेशन के साथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है. आपको एक स्ट्रैटेजिक मैनर में ये आपके यूपीएससी के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कराएगा. आप कोड अप्लाई कर सकते हो UPSC YT और RANK10 या code 10 भी आप यूज कर सकते हो. अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हो, आप कमेंट बॉक्स में साइट कर सकते हो. इट विल बी टेकन केयर ऑफ. T20 डेली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज इज ऑल्सो देयर, सो यू कैन एनालाइज योर आंसर कि वेयर यू आर मेकिंग मिस्टेक्स इन सॉल्विंग योर क्वेश्चन. सो आप यहाँ पे टेस्ट एनालिसिस के साथ यहाँ पे अपने प्रीलिम्स को बेहतर बना सकते हो, बूस्टअप कर सकते हो उसको. यू कैन ऑल्सो क्लिक ऑल दीज लिंक्स टू ज्वाइन अस. ओके, यहाँ पे भी बहुत सारे कोर्सेस आर ऑलरेडी स्ट्रीमिंग, सो टेक बेनिफिट फ्रॉम ऑल दोज कोर्सेस. डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन एंड यू विल बी गेटिंग द रेगुलर अपडेट्स फ्रॉम आवर प्लेटफॉर्म. सो व्हाट वी आर डिस्कसिंग, रिफॉर्म मूवमेंट्स एंड द स्ट्रगल. सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द बेसिस एंड कॉजेस ऑफ द सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, एंड टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द सोशियो कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट्स एंड देयर लीडर्स. वेरी मच इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर टूडे एटलीस्ट. सो यहाँ पे जितने भी ये रिफॉर्मिस्ट थे उनके बारे में हम एक एक करके जानेंगे. राजा राम मोहन रॉय एंड ब्रह्म समाज. सो यहाँ पे आपको दो चीजें मैंने पहले भी डिस्कस की है कि दो चीजें होती हैं, एक होता है रिफॉर्म और एक होता है आपका रिवाइवल. सो राजा राम मोहन रॉय वॉज अ रिफॉर्मिस्ट. सो अब मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिफॉर्मिस्ट एंड द रिवाइवलिस्ट. सो एज यू नो दैट बेसिकली देयर वर टू काइंड ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट्स 19th century में इंडिया में. दो तरह के जो है रिफॉर्म मूवमेंट्स हो रहे थे जिसमें इन्वॉल्व थे रिफॉर्मिस्ट और रिवाइवलिस्ट. सो रिफॉर्मिस्ट क्या होते हैं, ये जो मूवमेंट होते हैं इनके द्वारा जो मूवमेंट्स लाया जाता है वो रिस्पॉन्ड करता है टाइम के साथ, जिस तरीके की चीजें जिस टाइम में जरूरत है उस टाइप से साइंटिफिक मैनर में, साइंटिफिक टेम्पर का इस्तेमाल करके मॉडर्न एरा में ये उसका इस्तेमाल करके उसको जो है वो लाते हैं और रेस्पॉन्ड करते हैं. दूसरी तरफ होता है आपका रिवाइवलिस्ट. रिवाइवलिस्ट क्या होते हैं, ये जो मूवमेंट्स होते थे ये स्टार्ट करते हैं रिवाइव करने के लिए, मतलब ये थोड़ा सा आपको पास्ट में ले जाते हैं, एंसेंट इंडिया से, ट्रेडिशन से, थॉट से, बिलीफ से आपको लिंक करते हैं. उसके बाद जो वेस्टर्न थिंकिंग, जो इंडिया को, इनको ये समझते थे कि इंडिया के कल्चर को और एथिकल वैल्यूज को जो रियून कर रही है, जो बर्बाद कर रही है, उससे बचाने के लिए ये पुराने जो एंसेंट कल्चर होता है या एंसेंट जो थिंकिंग या ट्रेडिशन होता है उसमें थोड़ा सा रिवाइव करते हैं. That is only the difference between the reformist and the revivalist. So, Raja Ram Mohan Roy, the time period was 1772 to 1783. He is often called as the father of Indian Renaissance and makers of modern India. So, question can be asked like this only: who has been called as the maker of modern India? So, he was Raja Ram Mohan Roy, and it was the first one. Raja Ram Mohan Roy and Brahm Samaj was the first ever kind of any reform movement or any reform organization formed by Roy. Okay,
यहाँ पे आपको उनकी जो फेथ है वो अगर पूछी जाएगी तो वो मोनोथिज्म में बिलीव करते थे, ओनली वन गॉड, द सुप्रीम गॉड. सो ही रोट ऑल्सो वेरियस काइंड ऑफ थिंग्स लाइक गिफ्ट टू मोनोथिसिस, उन्होंने 1809 में लिखी थी. और उन्होंने बहुत सारे जो वेदास हैं, उपनिषद हैं, उनको बंगाली में भी, मतलब लोकल लैंग्वेज में भी टर्न किया था, लिखा था, ट्रांसलेट किया था, ताकि लोकल पीपल तक वो ज्यादा से ज्यादा पहुंच सके. उसके बाद ही बिलीव्ड इन द मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोच एंड द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डिग्निटी एंड सोशल इक्वेलिटी ऑल्सो. जो भी चीजें उनके बारे में है आप यहाँ पे स्लाइड में पढ़ सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो. आई विल जस्ट एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंट स्टफ रिलेटेड टू हिम. 1814 में ही सेटअप आत्मीय सभा. सो द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड लाइक दिस ओनली, दैट हु हैज सेटअप आत्मीय सभा एंड इन विच ईयर. सो लाइक दिस ओनली क्वेश्चन हैव बीन फ्रेम्ड, पहले भी आ चुके हैं और आ भी सकते हैं. सो इस तरीके से आपको ये चीजें जो है वो याद रखनी है. उन्होंने कैलकटा में इसको जो है सेटअप किया था और उन्होंने प्रोपोगेट किया था जो मोनोथिस्ट आइडियल्स होते हैं वेदांता के, या फिर जो आइडोलेट्री के खिलाफ कैंपेन होता है, या कास्ट रिजिडिटी के खिलाफ कैंपेन होता है, जो मीनिंगलेस रिचुअल्स हैं, ये करा लो, वो पूजा, वो हवन, इसके खिलाफ जो होता है उनके, और सोशल जितने भी इल्स होते हैं उसके खिलाफ इन्होंने बात करी थी. तो ही सेड द प्रिंसिपल ऑफ रैशनलिज्म अप्लाइड टू अदर सेक्स ऑल्सो. सो रैशनलिज्म में भी ये विश्वास रखते थे. रैशनल होना मतलब क्या होता है? लॉजिकल होना, उसके पीछे कोई एक वजह होनी चाहिए, बिना लॉजिक के, बिना किसी चीज के ये चीजें नहीं होनी चाहिए. आफ्टर दैट ही पुट हिज फेथ इन मोनोथिज्म, और उसके बाद आत्मीय सभा इन्होंने सेटअप करी थी. राजा राम मोहन रॉय फाउंडेड द ब्रह्म सभा इन ऑगस्ट 1828. सो राजा राम मोहन रॉय ने जो बनाया था वो था ब्रह्म सभा. सो देयर इज अ माइन्यूट डिफरेंस, तो ये थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म सभा बनाया था 1828 में, जो कि बाद में चल के रीनेम हुआ था ब्रह्म समाज में. सो ब्रह्म समाज राजा राम मोहन रॉय ने नहीं फॉर्म किया था, उन्होंने फॉर्म किया था ब्रह्म सभा. माइन्यूट डिफरेंस बट हैड टू बी टेकन केयर ऑफ, बिकॉज एग्जाम में यही माइन्यूट डिफरेंस जो है आपको काम आते हैं. द लॉन्ग टर्म एजेंडा ऑफ ब्रह्म समाज वॉज कि आपको प्यूरिफाई करना है हिंदुइज्म को, मतलब हिंदुत्व को जो है वो प्यूरिफाई करना है, उसको शुद्धि करनी है उसकी. एंड टू प्रीच मोनोथिज्म, और मोनोथिज्म को प्रीच करना है, मतलब एकेश्वरवाद को जो है वो फैलाना है. इट वॉज बेस्ड ऑन द ट्विन पिलर्स ऑफ रीजन, मतलब दो पिलर्स ऑफ रीजन पे ये बेस था, और उसके बाद ये जो दो पिलर्स थे वो थे इनके वेद और उपनिषद. मूविंग ऑन फॉरवर्ड, सिग्निफिकेंस क्या थे या फीचर्स क्या थे ब्रह्म समाज के. सो ब्रह्म समाज जो है बहुत सारी चीजों पे बात करता था, जिसमें से कि ये था कि उन्होंने पॉलिथिज्म को बिल्कुल ही, उसके बारे में उसको बिल्कुल नकारा था. आइडल वर्शिप को भी ये नहीं मानते थे. उन्होंने डिवाइन अवतार जो होते हैं, इनकर्नेशन जो होते हैं, जैसे विष्णु के 10 अवतार या ये अवतार, उसको डिसरिगार्ड किया था, उसमें ये बिलीव नहीं रखते थे. इट डिनाइड दैट एनी स्क्रिप्चर कुड एंजॉय द स्टेटस ऑफ अल्टीमेट अथॉरिटी ट्रांसेंडिंग ह्यूमन रीजन एंड कॉन्शियंस. सो यहां पे ये जो है ट्रांसेंडिंग मतलब क्या है, उसके बियॉन्ड जाना, गो बियॉन्ड, एक ऊंचा उठने वाली जो स्थिति होती है ना, उसके बारे में इन्होंने जो है वो बात करी थी. सो यहाँ पे स्क्रिप्चर जो भी होते हैं, वेद या शास्त्र, उन्होंने ये कहा था कि कोई भी जो स्क्रिप्चर होता है, वेद या शास्त्र, मतलब एक अल्टीमेट अथॉरिटी हम उसको नहीं दे सकते, वो ह्यूमन रीजन से, ह्यूमन लॉजिक से, रैशनल से वो ज्यादा, या फिर ह्यूमन कॉन्सेंस से वो ऊंचा नहीं उठ सकता. इट ऑल्सो क्रिटिसाइज द कास्ट सिस्टम. सो इन्होंने कास्ट सिस्टम को लेके भी बात करी थी कि कास्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए, उसको इन्होंने क्रिटिसाइज किया था. फिर उसके बाद इन्होंने, अगर आप कहोगे कि क्या डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा या फिर सोल, कि मतलब एक जो आत्मा का जो ट्रांसमाइग्रेशन होता है, कि आत्मा एक शरीर को छोड़ के दूसरे को धारण करती है, ऐसा कुछ, तो क्या वो उसके बारे में बात करते थे? बात करना और एक स्टैंड लेना दो डिफरेंट चीजें होती है. सो दे डू नॉट टेक एनी यू नो डेफिनेट स्टैंड ऑन दिस. सो इनका बात करते थे लेकिन खुलकर बात इसके बारे में नहीं करते थे. दे डिड नॉट टेक एनी डेफिनेट स्टेप ऑन द डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा एंड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल. सो राजा राम मोहन रॉय के एफर्ट के बारे में आप अगर जानना चाहो कि इन्होंने सोशल रिफॉर्म में क्या क्या मतलब एफर्ट दिए अपने, तो ही स्टार्टेड हिज एंटी सती स्ट्रगल.
सती प्रथा के खिलाफ 1818 में इन्होंने एक स्ट्रगल स्टार्ट किया था और ये इन्हीं के एफर्ट थे जिसके फलस्वरूप क्या है, जो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट थी उन्होंने रेगुलेशन लाया था 1829 में और उसके बाद सती प्रथा को एक क्राइम करार दिया गया था और सती प्रथा को बैन किया गया था। तो सती प्रथा को हटाने के लिए एक जो है जिसको एक कहा जाता है कि ये अहम भूमिका निभाए थे वो हमारे रॉय साहब थे। ओके मूविंग ऑन फॉरवर्ड ही ऑल्सो अटैक पॉलीगेमी, मतलब एक से ज्यादा वाइफ रखना है पॉलीगेमी होती है, उस पर इन्होंने अटैक करा था कि ये नहीं होना चाहिए और उन्होंने जो विडोज की जो स्थिति थी उसके जो डिग्रेड हो रही थी उसके बारे में भी आवाज उठाई थी, उसके खिलाफ भी आवाज उठाई थी और उन्होंने ये भी कहा था कि विमेन्स को उनकी प्रॉपर्टी में उनके पिता की संपत्ति में हक मिलना चाहिए। ही ऑल्सो फॉट अगेंस्ट द पुर्दा सिस्टम, चाइल्ड मैरिजेस एटसेट्रा, ही सपोर्टेड मॉडर्न एजुकेशन। डेफिनेटली राजा राम मोहन रॉय जो है आपको यहाँ पे मैंने जैसा कि बताया रिफॉर्मिस्ट और रिवाइवलिस्ट, सो ही वॉज अ रिफॉर्मिस्ट, सो ही सपोर्टेड द मॉडर्न एजुकेशन और इन्होंने सपोर्ट किया था डेविड हेयर को ताकि जब वो एफर्ट अपनी कर रहे थे मॉडर्न एजुकेशन को इंडियन पीपल के लिए लाने में, तो इन्होंने हिंदू कॉलेज भी फॉर्म किया था 1817 में एंड वेदांता कॉलेज इन्होंने 1825 में सेटअप किया था ताकि जो है बहुत सारे जो लिटरेचर की जानकारी है या फिर डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेस जो है वो मॉडर्न इंडियन पब्लिक के लिए जो है वो अवेल कराया जाए। तो इस तरीके से इन्होंने अपनी जो है बहुत अच्छी एक एफर्ट दी थी, अपनी बहुत अच्छी अच्छा योगदान दिया था मॉडर्न एजुकेशन को लेके। ही वॉज अ गिफ्टेड लिंग्विस्ट, मतलब इनको बहुत सारे लैंग्वेज की जो है वो जानकारी थी। आई डोंट नॉट इवन बिलीव दिस काइंड ऑफ थिंग कि एक इंसान, एक पर्टिकुलर इंसान उस जमाने में 19th सेंचुरी के जमाने में इतने लैंग्वेजेस जानते थे, संस्कृत, पर्शियन, अरेबिक, इंग्लिश, फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक एंड हिब्रू, इतने सारे लैंग्वेजेस ये जानते थे। ट्रस्ट मी गाइज, वेन आई स्टार्टेड लर्निंग दिस फ्रेंच लैंग्वेज इट वॉज टू डिफिकल्ट फॉर मी, इट वॉज टू डिफिकल्ट फॉर मी एंड इट टुक लॉट्स ऑफ यू नो वेरियस मंथ फॉर मी टू लर्न only few things about this French language. So it was very difficult. And I, you know, it's like a kind of thing ki aap appreciate kar sakte ho, aap admire kar sakte ho ki one person and dozen of languages he was knowing. पॉलिटिकली अगर आप बात करते हो तो पॉलिटिकली भी इन्होंने अपने आप को अछूत नहीं रखा था, इन्होंने बहुत सारे पॉलिटिकल भी जो है प्रैक्टिसेस और बहुत सारे अपना योगदान जो है भागीदारी जो है इन्होंने पॉलिटिकल सेंस में भी ली थी। ही कंटेम्ड ऑप्रेसिव प्रैक्टिसेस ऑफ बंगाली जमींदार्स, बंगाली जमींदार्स के खिलाफ जो प्रैक्टिसेस थे उसके खिलाफ इन्होंने बात करी, टैक्सेस को अबॉलिश करने की इन्होंने डिमांड करी, टैक्स फ्री लैंड लाने की इन्होंने बात करी, इन्होंने एक्सपोर्ट ड्यूटीज को इंडियन गुड्स पे जो लगाए जाते थे अब्रॉड से उस पे रिडक्शन की बात करी और ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेडिंग राइट को भी अबॉलिश करने की इन्होंने बात करी थी। सो पॉलिटिकली भी अपने आप को इन्वॉल्व रखते थे। ही डिमांडेड द इंडियनाइजेशन ऑफ सुपीरियर सर्विसेज एंड सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द जुडिशरी। सो आज जो है एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जो हमारी सेपरेट है, आप सोचो कि किस जमाने में किस पर्सन ने इसकी बात ऑलरेडी कर दी थी। सो इंडियनाइजेशन ऑफ सुपीरियर सर्विसेज, मतलब इनका कहना था कि जितने भी ऊपर के पोस्ट होते, चाहे जैसे कि आईएएससी वाले जो पोस्ट होते थे, तो उनका कहना था कि ऐसे पोस्ट पे इंडियंस को भी रिक्रूट किया जाए, इंडियनाइजेशन लाया जाए हमारे टॉप मोस्ट के सर्विसेज में। ही डिमांडेड जुडिशियल इक्वेलिटी बिटवीन द इंडियंस एंड यूरोपियन, जो भी जजेस होते थे, जो भी मतलब इस तरीके के जजेस की जब बैठक होती थी तो उन्होंने ये कहा था कि इसमें इक्वालिटी होनी चाहिए, जुडिशियल इक्वालिटी भी होनी चाहिए, सिर्फ ऐसा नहीं कि आप यूरोपियन जजेस बिठा रहे हो, इंडियन जजेस भी आपको बिठाने चाहिए। ओके मूविंग ऑन फॉरवर्ड, देवेंद्रनाथ टैगोर एंड ब्रह्म समाज। सो महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर जो कि पिता थे किनके, रविंद्रनाथ टैगोर के, उन्होंने ब्रह्म समाज को जो है वो ज्वाइन किया था 1842 में। पहले जो है वो तत्वबोधिनी सभा चला रहे थे जो उन्होंने 1839 में फॉर्म किया था, बाद में चल के जब इसकी थोड़ी पॉपुलैरिटी होने लगी तो इन्होंने ब्रह्म समाज को भी ज्वाइन किया। उन्होंने सपोर्ट किया विडो के रीमैरिजेस को, विमेन्स के एजुकेशन को, पॉलीगेमी के अबॉलिश करने के लिए और उसके बाद जो भी रायट्स के कंडीशंस थे, जो भी पेजेंट्स के कंडीशन थे, जो किसानों की जो स्थिति थी उसमें सुधार लाने के लिए, उनके टेम्परेंस में बढ़ाने के, बढ़ोतरी के लिए इन्होंने बात करनी शुरू की। अब बात आती है केशव
चंद्रसेन एंड ब्रह्म समाज के बारे में. सो देवेंद्रनाथ टैगोर और ब्रह्म समाज तो आपने देख लिया. सबसे पहले देवेंद्रनाथ टैगोर ने इसे ज्वाइन किया, उसके बाद केशव चंद्र सेन ने भी इसको ज्वाइन किया 1858 में. और उसके बाद जैसे ही इन्होंने इसको ज्वाइन किया था, उसके बाद वो आचार्य बनाए गए थे इनके द्वारा, टैगोर के द्वारा. लेकिन जब इन्होंने इनको आचार्य बनाया तो उसके बाद दोनों के जो विचार होते हैं उसमें थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आना शुरू हो गया था. मतलब इनको कहा जाता कि देवेंद्रनाथ जो है कुछ जो आइडियाज थे सेन के उनको पसंद नहीं करते थे. उनको ऐसा लगता था कि उनके जो आइडियाज हैं बहुत ज्यादा उग्र हैं, बहुत ज्यादा रेडिकल समझते थे वो. तो इस तरीके से विचारों में मतभेद होने के कारण, क्योंकि ये जो थे सेन जो थे वो बहुत ज्यादा कास्ट सिस्टम को बहुत ज्यादा स्ट्रांग व्यू रखते थे उसपे. इनफैक्ट वो ये चाहते थे कि इंटरकास्ट मैरिजेस भी है जो सपोर्ट किए जाएं. लेकिन देवेंद्रनाथ टैगोर को ये चीजें थोड़ी सी अखड़ती थी और इसीलिए उन्होंने बाद में कॉन्फ्लिक्ट होने के कारण आचार्य पोस्ट से उनको जो है वो डिसमिस कर दिया 1865 में. तो अब जाके केशव चंद्र सेन ने अपना एक अलग ग्रुप बनाया, अपने फॉलोअर्स को इकट्ठा किया और उसके बाद उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करी 1866 में. सो आप देख रहे हो कि एक जो ब्रह्म समाज था वो कहां से कहां पे ये जो है इनकी डिवाइडेशन हो रही है. सो यहाँ पे केशव चंद्र सेन जो थे जिन्होंने बनाया था, उन्होंने केशव चंद्र के फॉलोअर के साथ वो कहलाया ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया जो कि 1866 में बना. और जो देवेंद्रनाथ टैगोर के साथ लोग रह गए थे वो फिर अब जाना जाने लगा आदि ब्रह्म समाज के नाम से. ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि इसमें भी यहाँ पे ये चीजें नहीं रुकती, इसके बाद भी डिवाइडेशन होता है. एक अनदर स्प्लिट होता है 1878 में. अब जो है यहाँ पे क्या होता है कि इनके जो फॉलोअर्स थे सेन के उन्होंने एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया. क्यों बनाया? क्योंकि केशव चंद्र सेन जो है इन्होंने अपनी 13 साल की जो बेटी है उनकी शादी एक माइनर हिंदू महाराज से कर दी थी. एक ऑर्थोडॉक्स हिंदू रिचुअल के हिसाब से उन्होंने अपनी बेटी की शादी करी. तो लोगों के मन में ये मतभेद हुआ कि आखिर ये अपने विचार, जो कहते हैं ना डिफरेंस इन द लेटर एंड स्पिरिट, इनको देखने को मिला. और उनके बाद उन्होंने इनसे विचारों में मतभेद होने के कारण इनसे स्प्लिट हो गए और उन्होंने अपना एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसे कहलाया गया, जो कहलाया आपका साधारण ब्रह्म समाज. ये जो है किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? आनंद मोहन बोस के द्वारा. सो द क्वेश्चन कैन बी फ्रेम लाइक दिस ओनली, साधारण ब्रह्म समाज वॉज स्टार्टेड बाय हुम? तो इसमें आनंद मोहन बोस शामिल थे, शिव चंद्र देव और उमेश चंद्र दत्ता भी इसमें शामिल थे. तो ये सारे लोगों ने मिलके जो है अलग बनाया और उसको उसके बाद इन्होंने जो डॉक्टराइंस थे इनके, जो सुप्रीम बीइंग और या फिर वन गॉड का बिलीफ जो था उस पे इन्होंने मतलब जो है जोड़ दिया. और उसके बाद ट्रुथ और मोरालिटी पे भी इन्होंने काफी ज्यादा जो है वो बिलीफ्स अपनी रखी. अब बात आती है आपकी प्रार्थना समाज की. सो केशव चंद्र सेन ने हेल्प किया था आत्मारंग पांडुरंग को ताकि वो प्रार्थना समाज को बॉम्बे में फॉर्म कर सके. 1863 में इसकी फॉर्मेशन रखी गई थी, इस्टैब्लिश किया गया था. और उसके बाद महादेव गोविंद रानाडे, एमजी रानाडे ने भी इसको ज्वाइन किया था 1870 में. द समाज रिलाइड ऑन एजुकेशन एंड पर्सुएशन एंड नॉट ऑन कन्फ्रंटेशन विद हिंदू ऑर्थोडॉक्सी. सो हिंदू जो ऑर्थोडॉक्स सिस्टम होता है उसके खिलाफ इन्होंने बात करी थी. और इनका 4 पॉइंट सोशल एजेंडा था जो इनका मेन मोटिव के हिसाब से काम करता था. सबसे पहले तो ये कास्ट सिस्टम को डिसअप्रूव करते थे, उसको जरा भी अप्रूवल नहीं देते थे. विमेन के एजुकेशन के बारे में ये बात करते थे, विडो के रीमैरिज के बारे में बात करते थे. और उसके बाद जो बोथ मेल और फीमेल की जो शादी की उम्र होती है, मैरिजेबल एज होती है, उसमें बढ़ोतरी की इन्होंने बात करी थी कि उस एज को जो है वो बढ़ाया जाए. सो After that, along with Carvey, Ranade founded the widow remarriage movement. So, Carvey के साथ मिलके Ranade ने एक widow remarriage movement को भी form किया था. और उसके बाद widow home association भी बनाया था जिनका बस एक motive ये था इस association को बनाने का कि वहां पे वो widows को रख के उनको educate करते थे, उनको training देते थे ताकि वो self dependent बन सके, उनको किसी की support की जरूरत ना मिले, वो कम से कम financially या फिर mentally या फिर सोशली जो है वो इंडिपेंडेंट रहे और उनको जो है ये इस ऑर्गेनाइजेशन से सपोर्ट जो है वो मिलता रहे. देन आफ्टर दैट मूविंग ऑन फॉरवर्ड, यंग बंगाल मूवमेंट एंड हेनरी विवियन थोरोजियो.
हुआ क्या था कि जब 1820 का जो लास्ट वाला डिकेड चल रहा था, लेट डिकेड जो आप कह सकते हो, और उसके बाद जो अर्ली 1830 का टाइम था, तो उस टाइम में जो इंडिया है हमारा, वहां पे एक नई चीज जो है वो उभर रही थी, वो इमर्ज हो रही थी सोसाइटी एज अ रेडिकल इंटेलेक्चुअल, या फिर ये जो इंटेलेक्चुअल ट्रेंड या फिर रेडिकल ट्रेंड जो है वो यूथ में बहुत ज्यादा भरना शुरू हो गया था, खासकर बंगाल की अगर बात करें तो इसीलिए यहाँ पे इसको कहा जाता है यंग बंगाल मूवमेंट। और क्योंकि यंग बंगाल मूवमेंट मतलब ये जो बंगाल यंग जेनरेशन थी वो बहुत ज्यादा रेडिकल थी, बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअली ट्रेंड थी, तो इसी में एक एंग्लो इंडियन जो थे, यंग एंग्लो इंडियन जिनका नाम था हेनरी विवियन, उन्होंने हिंदू कॉलेज में पढ़ाया था 1826 से 1831 तक, और ही वॉज अ लीडर, ही वॉज अ इंस्पायरर फॉर मेनी ऑफ द यूथ्स। और उसके बाद उन्होंने इंस्पिरेशन लेके बहुत सारी चीजों से, इनको इंस्पिरेशन मिली थी कहां से, सिंस ये एंग्लो इंडियन थे तो इनको बहुत सारे वर्ल्ड लेवल पे चीजें मालूम थी, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इन्होंने इंस्पायर किया खुद को, और उसके बाद बहुत सारे अपने जो है प्यूपल्स इकट्ठा किए, बहुत सारे अपने प्रचार करना अपने विचारों का स्टार्ट किया इन्होंने, और उसके बाद इन्होंने लोगों से कहा कि आप जो है फ्री और रैशनल थिंकिंग रखो अपनी, और कोई भी अथॉरिटी है उस पे आप क्वेश्चन लगा सकते हो, लव लिबर्टी इक्वालिटी फ्रीडम कस्टम ट्रेडिशंस सबको अपोज करते हुए इन चीजों के बारे में इन्होंने बात करी थी। उन्होंने विमेन के राइट्स को सपोर्ट किया, उनके एजुकेशन को सपोर्ट किया, एंड इट कैन बी सेड दैट ही वाज द फर्स्ट परहैप्स द फर्स्ट नेशनलिस्ट पोएट ऑफ मॉडर्न इंडिया। सो ही कैन बी सेड एज द फर्स्ट नेशनलिस्ट पोएट ऑफ मॉडर्न इंडिया। उसके बाद इनका ज्यादा जो है ना विचार इनके ज्यादा नहीं फैले, थोड़ा सा ये फेलियर साबित हुए, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ये नहीं डाल पाए, और इनके जो है इनके रैशनल बिहेवियर के को ध्यान में रखते हुए, सॉरी रेडिकल बिहेवियर को ध्यान में रखते हुए, बहुत सारे लोगों ने इनके उग्र बिहेवियर को मतलब बहुत ज्यादा नोटिस किया, और उसके बाद इनको जो है वो निकाल दिया गया हिंदू कॉलेज से 1831 में। मेन रीजन इनका क्या था कि ये जो है वो सोशल कंडीशन जो उस टाइम था ना उस पे वो अपने रेडिकल आइडियाज रखते थे, मतलब बहुत ज्यादा उग्र हो जाते थे, इनमें पेशेंस नहीं था, सो इसलिए बहुत सारे जो सोशल ग्रुप थे, सोशल क्लास था, इन्होंने इनको सपोर्ट नहीं किया, और बहुत सारे लोगों से, पेजेंट से, मासेस से ये थोड़े से जुड़े भी, लेकिन इतना ज्यादा ये सक्सेसफुल जो है वो नहीं हो पाए। बट ही एनकरेज द रेडिकल थिंकिंग अमंग हिज स्टूडेंट्स। दो उनको बहुत जगह से निकाला गया, बहुत ज्यादा वो सक्सेसफुल नहीं हुए, बट फिर भी उन्होंने अपने स्टूडेंट्स में ये कहा कि आपको रेडिकल थिंकिंग रखनी चाहिए। एंड आफ्टर दैट ही क्रिटिसाइज द प्रिवेलिंग रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑफ ऑर्थोडॉक्स हिंदुइस्ट, और उन्होंने इंस्पायर किया अपने स्टूडेंट्स को, और उन्होंने प्रोपोगेट किया इस चीज को कि आपको स्पिरिट ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी और फ्रीडम पे जो है वो बिलीव होना चाहिए। ओके, ईश्वर चंद्र विद्यासागर बहुत ही रिनॉन पर्सनालिटी, बहुत सारी स्टोरीज आपको, इनफैक्ट स्कूल डेज में आपको इनकी स्टोरीज जो है वो देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी, पढ़ने को मिलेगी, एंड आई होप कि आपने पढ़ी भी होगी। बहुत अच्छी स्टोरी थी इनकी, एक कोई स्टेशन की चीज है जो जहां पे ये अपना सामान खुद उठाता है, बहुत ही अच्छी स्टोरी, आई होप कि यू ऑल नो इट। सो मूविंग ऑन फॉरवर्ड विद दिस, अगेन one of the great scholar and reformer, not a revival, he was a reformer. विद्यासागर के जो ideas थे वो blend आप कह सकते हो, Indian और Western thought दोनों की blending इनके ideas में आपको देखने को मिलती थी। इन्होंने moral values को काफी ज्यादा तवज्जो दी, उस पर काफी ज्यादा belief रहता था इनका, deep humanist थे ये, और उसके बाद बहुत ज्यादा generous थे, बहुत ज्यादा उदार थे ये poor people के लिए। 1850 में उनको प्रिंसिपल बनाया गया संस्कृत कॉलेज का, जहां पे उन्होंने जो स्पिरिचुअल नॉलेज, जो एक प्रिस्टली मोनोपोली होती थी स्पिरिचुअल नॉलेज में, उसकी उस परंपरा को ब्रेक करने की कोशिश करी, उसमें काफी ज्यादा इन्होंने अपना योगदान भी दिया, और इसलिए उन्होंने संस्कृत कॉलेज खोला किनके लिए, नॉन ब्राह्मण्स के लिए। ही इंट्रोड्यूस द वेस्टर्न थॉट, संस्कृत कॉलेज में उन्होंने अपने वेस्टर्न थॉट की चीज को भी इंट्रोड्यूस किया, और उन्होंने संस्कृत लर्निंग को, एक जो आइसोलेशन जो प्रिस्टली क्लास के लिए हो रहा था, उससे इन्होंने ब्रेकेज दिलवाई। आफ्टर दैट विद्यासागर ने एक मूवमेंट भी स्टार्ट किया, जिसमें उन्होंने वीडो रीमैरिज को सपोर्ट किया,
लेजिस्लेशन जो आया था विडो रिमैरिज को लेके, वो इन्हीं के एफर्ट्स थे कि जिसके बाद, इनके मूवमेंट के बाद ही इसको लेजिस्लेट जो है वो किया गया था. एंड आफ्टर दैट ही ऑल्सो डिड मेनी थिंग्स फॉर अगेंस्ट द चाइल्ड मैरिज एंड पॉलीगैमी. एंड उसके बाद वुमेन्स एजुकेशन को लेके इन्होंने काफी ज्यादा हेल्प करा था. इन्होंने खुद 35 गर्ल्स स्कूल इन्होंने अपने ऑर्गेनाइज करने में, बहुत ज्यादा अपने एक्सपेंस पे इन्होंने ये स्कूल्स खोले थे. एंड आफ्टर दैट एक सेक्रेटरी होने के नाते, बेथिनो स्किल जो 1849 में एस्टैब्लिश किया गया था, उसके सेक्रेटरी होने के नाते इनको ये कहा जाता है कि ही वॉज द पायनियर ऑफ हायर एजुकेशन फॉर वुमेन इन इंडिया. सो यू कैन से दैट ईश्वर चंद्र विद्यासागर वॉज वन ऑफ द पायनियर ऑफ इंडियन एजुकेशन फॉर वुमेन इन इंडिया. बेथिनो स्कूल कहाँ पे फॉर्म किया गया था? कैलकटा में. ईयर याद रखिएगा 1849. क्वेश्चन कैन बी फ्रेम लाइक दिस ओनली. एंड इट वॉज द रिजल्ट ऑफ पावरफुल मूवमेंट फॉर द वुमेन्स एजुकेशन, जो कि बाद में चल के 1840 और 1850 के टाइम में जो है वो उठना शुरू हुआ था. ठीक है, तो ज्यादा आप ये कह सकते हो कि इस तरीके यहाँ पे जो यंग स्टूडेंट्स थे उन्होंने भी काफी ज्यादा इसमें अपना जो है योगदान देने की कोशिश करी थी. बाल शास्त्री जांबेकर, सो ही अटैक्ड ब्रामैकल ऑर्थोडॉक्सी एंड ट्राइड टू रिफॉर्म पॉपुलर हिंदुइज्म. एंड आफ्टर दैट ही इज नोन एज द फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म. ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर दर्पण इन 1832. सो इसके, इनके बारे में भी थोड़ा सा जानना आपको जरूरी है. यू नेवर नो व्हाट यूपीएससी कैन आस्क. सो ही स्टार्टेड द दिग्दर्शन एंड ही ओनली स्टार्टेड दिस दर्पण ऑल्सो. सो दे कैन आस्क अबाउट दिस. एंड ही वॉज द फर्स्ट प्रोफेसर ऑफ हिंदी एट एल्फिंस्टन कॉलेज. आफ्टर दैट परमहंस मंडली. सो इट वॉज फाउंडेड इन 1849 महाराष्ट्र में, जिसके फाउंडर्स में आपके दादोबा पांडुरंग, मेहताजी दुर्गाराम और अदर्स शामिल थे. और इन्होंने किसमें ज्यादा इंटरेस्ट लिया था? कास्ट रूल को ब्रेक करने में. फ्रीडम ऑफ थॉट जो है यहाँ पे इनकरेज किया गया था. एंड उसके बाद इन्होंने विडो रिमैरिज को जो है एडवोकेट किया था, उसको सपोर्ट किया था, उसके बारे में बात करी थी. विमेन के एजुकेशन को लेके इन्होंने बात करी थी. और जो ब्रांचेस थे परमहंस मंडली के, वो मोस्टली आपके महाराष्ट्र में ही सिचुएटेड है, जैसे कि पुणे में, सतारा में और अदर टाउन्स जो थे महाराष्ट्र के वहां पे. सत्य शोधक समाज एंड ज्योतिबा फुले, वेरी मच इम्पॉर्टेंट. सो ज्योतिबा फुले, आप टाइम पीरियड यहाँ पे देख सकते हो 1827 से 1890. दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि इनका टाइम पीरियड कब से कब तक रहा, बस जो इन्होंने वर्क अपने दिए हैं वो जानने आपको ज्यादा जरूरी है. He was born in Satara, Maharashtra, and he belonged to a Mali community. Gardener जो होते हैं, माली जो होते हैं, उस community से belong करते थे. और इसीलिए इन्होंने upper caste domination के against बहुत बड़ी मुहिम करी थी. Brahmanical जो supremacy वहां पे, जो monopoly priest class को प्राप्त थी, उसके खिलाफ इन्होंने बहुत बड़ा step लिया था. And उसके बाद ये completely aim करते थे कि हमें caste system को completely abolish करना है और socio-economic inequality को भी दूर करना है. फूले ने फाउंड किया था सत्य शोधक समाज, ट्रूथ सीकर सोसाइटी, वेरी मच इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ चुका है. 1873 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी. और इनके वर्क की अगर आप बात करते हो तो उसमें आपको सार्वजनिक सत्य धर्म और गुलामगिरी जो है वो शामिल है. तो गुलामगिरी खासकर पूछा जाता है, किसने लिखी थी? फूले ने. इनके जो मेन एम थे मूवमेंट्स के, सत्यशोधक समाज का जो मेन एम था, उसमें था कि सोशल सर्विस करनी है और उसके बाद विमेन के एजुकेशन को स्प्रेड करना है और लोअर कास्ट में भी एजुकेशन को जो है वो स्प्रेड करना है. इन्होंने सांस्कृतिक जो हिंदुइज्म है उसके अगेंस्ट बात करी थी. बिकॉज ही वॉज अ फर्म बिलीवर इन जेंडर इक्वालिटी ऑल्सो, इन्होंने वुमेन की एजुकेशन को काफी ज्यादा प्रमोट किया. और खुद इनकी जो वाइफ थी सावित्री बाई फुले, उनके हेल्प से इन्होंने बहुत सारे गर्ल्स स्कूल भी जो है वो पुणे में ओपन किए थे. तो इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी इनकी वाइफ की, जो इनके साथ मिलकर इन्होंने वुमेन की एजुकेशन को लेके पुणे में किया था, महाराष्ट्र में किया था. He was a pioneer of widow remarriage movement in Maharashtra. और इन्होंने women's के लिए, जो widows थी उनके लिए बहुत सारे homes भी open किए थे 1854 में.
Phule was awarded with the title Mahatma for his social reform work. So if they ask कि social reform work के लिए किन्हें महात्मा का टाइटल दिया गया था, then he was Phule. उसके बाद गोपाल हरि देशमुख या फिर लोकहितवादी. सो लोकहितवादी मतलब जो लोगों के हित के बारे में बात करता है, लोगों के मतलब सोशल वेलफेयर के बारे में बात करता है. 1823 से 1892 इनका टाइम पीरियड था. ही वॉज अ सोशल रिफॉर्मर और एक रैशनलिस्ट थे जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे. रैशनल मतलब लॉजिकल होना, किसी भी चीज के पीछे का तर्क देखना. ओके उन्होंने उनको एक जो है जज की पोस्ट प्राप्त थी ब्रिटिश इंडिया में, बट फिर भी उस पोस्ट पे होते हुए भी इन्होंने एक वीकली लिखना शुरू किया था जिसका नाम था प्रभाकर, और जिस पेन से इन्होंने लिखी थी वो चीज उसे कहते थे लोकहितवादी, और जो कि सोशल रिफॉर्म इशू पे वो चीजें जो है वो लिखते थे. इन्होंने बहुत सारे रीऑर्गेनाइजेशन जो थी इंडियन सोसाइटी की उसको एडवोकेट किया, और उसके बाद मॉडर्न ह्यूमैनिस्टिक और सेकुलर वैल्यू को जो है वो इन्होंने प्रमोट किया. हिंदू ऑर्थोडॉक्सी जो थी उस पर इन्होंने तगड़ा अटैक किया, और उसके बाद सोशल और रिलीजियस इक्वालिटी को इन्होंने एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा सपोर्ट भी किया था. ही ऑल्सो रोट अगेंस्ट द एविल ऑफ द कास्ट सिस्टम. ये बताते थे कि किस तरीके से जो कास्ट सिस्टम है वो एक बहुत ही बड़ा इविल है हमारे समाज के लिए. उनका ये कहना था, एक बहुत अच्छी लाइन इन्होंने कही थी जो मुझे बहुत अच्छे से याद भी है, कहीं पे पढ़ी थी मैंने, बुक में ही पढ़ी थी. इन्होंने कहा था इफ रिलीजन डजंट सैंक्शन सोशल रिफॉर्म देन चेंज द रिलीजन. अगर कोई रिलीजन सोशल रिफॉर्म को सैंक्शन नहीं करता है तो उस रिलीजन को ही बदल डालो. छोटी सी लाइन है, बहुत बहुत बड़े मायने रखती है. उन्होंने एक वीकली भी स्टार्ट करी थी जिसका नाम था हितेशु. इन्होंने एक बहुत ही लीडिंग रोल प्ले किया था जो इनके पीरियोडिकल्स थे उसको फॉर्म करके, और उसके बाद इस रिफॉर्म को आगे बढ़ाने में. इनके पीरियोडिकल्स जो थे वो ज्ञान प्रकाश, इंदु प्रकाश और लोकहितवादी के नाम से प्रकाशित होते थे. ओके सो विल कंटिन्यू द नेक्स्ट थिंग टुमारो बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ टाइम. सो डू नॉट वरी अबाउट दैट, बट डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो दिस सीरीज. ओके जहाँ पे हम ये रिफॉर्म मूवमेंट्स और लीडर्स की बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. और अगले लेसन में हम बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे जिसमें से कि सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी और गोपाल कृष्ण गोखले का नाम आएगा. एंड डू नॉट फॉरगेट टू नो अबाउट रामकृष्ण मूवमेंट एंड स्वामी विवेकानंद के बारे में. मेन्स के क्वेश्चन के साथ मैं आपको इसकी कुछ चीजें बताऊंगी, स्वामी विवेकानंद के बारे में बताऊंगी, उनके जो बुक्स हैं उनकी जो बायोग्राफी है उसके बारे में बताऊंगी, ताकि आपको क्वेश्चन और आंसर राइटिंग में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी. और मैं चाहूं तो इसे आज भी फिनिश कर सकती हूं, बट आई वॉन्ट टू इलेबोरेट इट बिकॉज स्वामी विवेकानंद वॉज अ ग्रेट पर्सनैलिटी. अगर आप इनके बारे में पढ़ोगे ये एक बहुत ही एक अच्छा छाप छोड़ेगा आपकी माइंड पे. इवन आई हैव रेड हिज बुक, सो इट्स ब्रिलियंट. एक छोटी सी इनकी, बिल्कुल छोटी सी पतली सी भी थिंग आती है जो कि आप पढ़ सकते हो, जिसमें इनके आइडियाज एंड बिलीफ जो है वो लिखे हुए हैं जो इन्होंने कहे हैं. और इसके बारे में हम फिर ये भी देखेंगे कि इन्होंने क्या क्या रिफॉर्म मूवमेंट में अपना योगदान दिया था. देन वी आर गोइंग टू डिस्कस द आर्य समाज और दयानंद सरस्वती के बारे में हम डिस्कस करेंगे, डीएवी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल ऑल्सो डिस्कस द शुद्धि मूवमेंट विच वॉज स्टार्टेड बाय हिम. एंड वेरी इंपॉर्टेंट वी आर गोइंग टू ऑल्सो डिस्कस फ्यू अनदर जो ऑर्गेनाइजेशन जो फॉर्म हुए थे जिसमें से कि आपका धर्म सभा और सेवा सदन का नाम आता है. So do not forget to follow me up tomorrow in this series. It will be very helpful for your exam point of view. If you're having any query, type it in comment box. It will be taken care of. It's Anamika signing off. Take care, guys. Have a nice time. Bye-bye.